Hi everyone and welcome back to my channel. So finally I will be doing my 2018 favorites. It's skincare, hair care and makeup, and I know I am late but I was not well in between and I don't want to give excuses. So without any further ado, let's begin with our today's video. So let's start with makeup first. So my first item is this Maybelline Fit Me. And this one is my go-to foundation, and I'm sure 2018 में आप लोगों ने मेरे बहुत सारे makeup videos में मुझे ये use करते हुए देखा होगा. आज भी मैंने ये use किया है. This foundation is like medium to full coverage. ये आपको medium to full coverage दे देता है. आप चाहो तो इससे medium coverage रखो, बहुत हल्का सा use करके light coverage कर सकते हो. बिल्ड करके इसको आप फुल कवरेज कर सकते हो. यू कैन ड्रेस इट अप, यू कैन ड्रेस इट डाउन, यू कैन वेयर इट फॉर एनी फेस्टिवल, पार्टीज और एनी ओकेजन. दिस इज द बेस्ट एंड परफेक्ट फाउंडेशन. इट ब्लेंड्स रियली वेल, इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं आपकी स्किन में. एंड दे हैव शेड्स फॉर एवरी वन. हर एक शेड में अवेलेबल है, चाहे आप बहुत लाइट हो, मीडियम हो, डस्की हो या जैसे भी हो, आपको आपका शेड मिल जाएगा. आई थिंक फाउंडेशंस के लिए बेस्ट होता है कि हर शेड में आना चाहिए. ये हर एक शेड में अवेलेबल है. And it just make your skin look like skin but better. I love this foundation and I'm sure मैं 2019 में भी इसे बहुत use करने वाली हूँ और इसे repurchase करने वाली हूँ. My next product is a concealer. And this one is again from Maybelline Fit Me range because मुझे ऐसा लगता है कि जो आप फाउंडेशन लगाए हो ना उसी का मैच करके कंसीलर लगाओ. लाइक फिट मी है तो फिट मी यूज़ करती हूँ, अगर मैं वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तो उसी का कंसीलर यूज़ करती हूँ, तो उससे ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड होता है और जो एंड रिजल्ट आता है ना स्किन का वो ज़्यादा अच्छा आता है. बट अगर मेरे पास और भी कुछ कंसीलर्स है, लाइक वेट एंड वाइल्ड का है, LA Girl भी है मुझे, लेकिन पर्सनली मेरे स्किन के ऊपर मेबलिन फिट मी सबसे ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. बेस्ट चीज़ ये है कि बहुत अफोर्डेबल है, कवरेज अच्छा देता है. I mean, इसे आप चाहो तो शीट कवरेज रख सकते हो, चाहे तो आप इसे बिल्ड कर सकते हो. I love this. This is my go-to concealer and I'm sure मैं 2019 में भी इसे रिपर्चेस करूँगी और ज़रूर इसे यूज़ करूँगी. वैसे मेरा ये ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे आ चुका है. My next favorite is my favorite compact. अगर आपने मेरे videos पहले देखे होंगे तो I'm sure आपके लिए surprise नहीं होगा. This is L'Oreal Matte Majik. This is my favorite L'Oreal Matte Majik. मैं इसे winters में, summers में सब time use करती हूँ. ये बहुत अच्छा है. अगर आप इसे अपना foundation और concealer set करने के लिए use करते हो तो बहुत अच्छे से आपका फाउंडेशन और कंसीलर सेट हो जाता है आपकी फेस के ऊपर. ये पैची और वैसे थोड़ा अजीब सा कुछ पाउडरी जैसा भी नहीं लगता है. ये आपको कवरेज भी देगा. अगर आप स्किन ऑयली है तो इसको मैट भी कर देगा बिकॉज इट्स मैट मशीक. बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन भी है तो भी आपकी स्किन को अच्छे से मैटिफाई कर देगा. ये सन से भी प्रोटेक्ट करता है. इसमें SPF 24 है. ओनली थिंग जो मुझे इसमें नहीं पसंद है इज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज़ माई नेक्स्ट फेवरेट. दिस इज़ अ ब्लश फ्रॉम मेबलिन. ये है कलर शो ब्लश एंड आई एम श्योर मेबलिन ने इसकी पैकेजिंग जो है वो चेंज करके चिकी ग्लो कुछ ऐसा नाम कर दिया है इसका, बट ये चेंज कर दिया है. बट शेड जो है वो सेम आपको मिल जाएगा और मेरा वाला शेड है वो है फ्रेश कोरल. ट्रस्ट मी, हमारे इंडियन स्किन के लिए बेस्ट है, परफेक्ट है, बहुत सुंदर कलर है. मैं आपको उसको अंदर से कलर एक बार दिखाऊँ. सी, इट्स सच अ ब्यूटिफुल कलर, इट्स सच अ प्रिटी कलर. आप इसे चाहो तो एवरीडे यूज़ के लिए भी कर सकते हो. हल्का सा लगा के बहुत लाइट सा लगेगा. बहुत I mean, कुछ ब्लशेस होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, आप कितना भी लो एकदम से बैंग करके बहुत ज़्यादा आ जाता है फेस के ऊपर. बट ये आप बिल्डेबल है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है. अगर आप बिगिनर हो तो आपको डर लगता है कि लगाऊं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, पैची ना लगे, तो ये उसके लिए भी बेस्ट है. अगर आप बिगिनर नहीं हो तो भी बहुत अच्छा है. आप इसे लाइट सा लगा सकते हो, आप इसे बिल्ड कर सकते हो, आप इसे डेली के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इसे पार्टीज़ में यूज़ कर सकते हो, आप इसे इनफैक्ट ऑफिस में जानते हो अगर मेकअप करना हल्का बहुत पसंद है तो भी आप इसे लाइट से लगा के जा सकते हो. बहुत सुंदर है. और ये जो कलर है ये हम इंडियंस के लिए, इंडियन स्किन टोन के लिए बेस्ट है. जो हमारी येलो अंडरटोन बहुत ज़्यादा होती है स्किन, उसके लिए बेस्ट है. उस पर बहुत सुंदर लगेगा. इट्स अर्दी पीची पिंक कलर, फ्रेश कोरल नाम है इसका. अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर लेना. बहुत प्यारा कलर है. मैं इसे नॉर्मली एवरीडे में यूज़ करती हूँ. पार्टीज़ हो तो भी या ऐसे ही मुझे कहीं थोड़ा सा ब्लश लगाने का मन हो तो भी बहुत प्यारा कलर है ये. माई नेक्स्ट फेवरेट इज़ माई शुगर आर्च अराइवल ब्राउ डिफाइनर. मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम होगी. मैं स्पेशली हमारे इंडियन ड्रग स्टोर में जो है ना, आप कभी आईब्रो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए जाओगे तो क्या तो आपको ग्रे मिल जाएगा या ब्राउन मिल जाएगा. मोस्टली ब्राउन्स अवेलेबल है और ब्राउन भी वो रेडिश अंडरटोन, बहुत मेडअप और अच्छा नहीं लगता है लगाने के बाद. नकली किया ऐसा लगता है या काफ़ी कंपनीज ब्लैक कलर का बना देती है. बिल्कुल बकवास लगता है जब हम लोग अपने आईब्रो पे उसको लगाते हैं. बट दिस शेड जो मेरा शेड है, मैं पहले ये बताऊँ, इट्स इन द शेड टॉप टॉम 02. ये सिर्फ दो ही शेड में अवेलेबल है. फर्स्ट है जेरी ब्राउन, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट दिस वन इज टॉप टॉम, दिस इज बेस्ट. इसकी जो टिप है वो भी बहुत अच्छी है. इसकी एक तरफ स्पूली है, एक तरफ आपको ब्राउ डिफाइनर दिया हुआ है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बेस्ट है. ऐसा नहीं है कि बहुत सॉफ्ट है, ये कुछ सॉफ्ट से रहते हैं ना तो टूट भी जाती है और कंट्रोल भी नहीं रहता है. और कुछ कुछ होते हैं जो बहुत हार्ड रहती है, इतना ज़्यादा उनकी पेंसिल हार्ड रहती है ना कि आप उससे बिल्ड कर लेते हो ना कि उस एरिया पे रिंकल्स आने का चांसेस हो जाता है. वो आपका ये एरिया जो आई के आसपास का है बहुत डेलिकेट होता है, बहुत ज़्यादा घसीटोगी कोई चीज़ को तो वो ख़राब हो जाएगा, वो एरिया पर रिंकल आ जाएंगे हमारे आईज़ के आसपास. बट ये ना बहुत सॉफ्ट है ना ही बहुत वैसे हार्ड है, परफेक्ट है. और इसका जो शेड है इट्स लाइक एशी ब्राउन कलर, परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन, एकदम बेस्ट है. चाहे आपका कॉम्प्लेक्शन लाइट है, चाहे मीडियम है, चाहे डस्की है, चाहे जो भी है, ये हर एक कॉम्प्लेक्शन के आईब्रोज हेयर को सूट होगा. इसको चाहे आप आईब्रो के आगे में जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं और बाकी का मिड और टेल थोड़ा डीप होता है, तो आप बिल्कुल इसे लाइट भी कर सकते हो, डीप भी कर सकते हो. जब आप इसको ड्रॉ करोगे हल्के हाथ से तो लाइट ड्रॉ होगा, थोड़ा सा प्रेशर देके ड्रॉ करोगे तो ये डीप ड्रॉ होगा और टूट जाएगी पेंसिल या ख़राब होगा, वैसा भी कोई चांस नहीं है. दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट. और सिर्फ एक छोटी सी पेंसिल जैसे है तो आप इसको अपने बैग में रख के कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, इट्स बेस्ट. सो जो मेरा नेक्स्ट आइटम है वो है मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट. मैं आई थिंक फेवरेट ऐप बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, सारे प्रोडक्ट मेरे फेवरेट है. दिस इज कंफर्ट जोन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बार मुझे मेरे मेकअप वीडियोज़ में इसे यूज़ करते हुए देखा होगा. दिस इज लाइक वर्थ एवरी पेनी. 500 का आता है, कभी कभी इस पर डिस्काउंट आ जाए तो उससे भी कम में पड़ता है. और टोटल इसमें 10 शेड्स अवेलेबल है, 2 ट्रांजेक्शन शेड्स है और 8 शेड्स है. नॉर्मली अगर आप कोई आई शेडो पैलेट खरीदते हो काफ़ी हाई एंड ब्रांड का भी चाहे आप ले लो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसमें क्या होता है अगर आपको 15 शेड्स मिल रहे हैं ना तो कम से कम भी 3 ऐसे शेड्स होंगे जो चौकी होंगे, ख़राब होंगे, ठीक से काम नहीं करते होंगे, ब्लेंड नहीं होते होंगे या उनका पिगमेंटेशन अच्छा नहीं होता होगा. 100% ये होता है हर पैलेट के साथ, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसके 10 के 10 शेड्स अमेजिंग है. और अगर आप ये पैलेट खरीदते हो तो आपको अलग से कभी किसी भी चाहे आप ब्लैक स्मोकी आई भी कर रहे हो ना तो भी आपको ट्रांजेक्शन शेड अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज नॉर्मली स्मोकी आई जब आप करते हो तो आप हमेशा आपको वार्म ऑरेंजी काइंड ऑफ अ कलर अपने क्रीज में लगाना होता है. इसमें दोनों कलर्स परफेक्ट है, ब्लू स्मोकी आई, ब्राउन स्मोकी आई, ब्लैक स्मोकी आई या कोई भी आप आई मेकअप करो. और इतने बड़े बड़े पैन है इसके ट्रांजेक्शन शेड्स के, ये ख़त्म नहीं होने वाले बहुत जल्दी. और ये टोटल शेड्स बहुत लंबा जाएंगे, हाईली पिगमेंटेड है और कुछ शिमरी कलर्स है, लाइट शैम्पेनी कलर्स है और रोज़ गोल्ड है, उसको आप एज हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो. सो गाइज माय नेक्स्ट फेवरेट इज़ लैश सेंसेशनल फ्रॉम मेबेलिन. एंड आई एम श्योर ये आपके पास भी होगा और मुझे इसकी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. अगर ये नहीं होता तो आई थिंक ये लिस्ट इनकम्प्लीट होती. बेस्ट मस्कारा है मार्केट में. आई जस्ट लव इट एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स अबाउट इट. आई लव इट. एंड बाय द वे मेरा वाला जो है ये वाटरप्रूफ वेरिएंट में नहीं है. मुझे पर्सनली मस्कारास वाटरप्रूफ लेना पसंद नहीं है बिकॉज उन्हें जब आप रिमूव करते हो तो आपकी लैश से निकल जाती है, बहुत लैशेस टूटने लगती है, वो रिमूव अच्छे से नहीं होता है. तो मैं नॉर्मली नॉन वाटरप्रूफ वाला यूज़ करना पसंद करती हूँ. काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसलिए बता रही हूँ. एंड दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट, माई होली ग्रेल मस्कारा. सो गाइज मेरी फेवरेट की लिस्ट में नेक्स्ट है ये लिप क्रेयॉन्स एंड दीज आर अगेन फ्रॉम मेबेलिन. एंड ये वीडियो मेबेलिन ने स्पॉन्सर नहीं किया है. पर्सनली मुझे मेबेलिन के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर मैं इंडियन ड्रग स्टोर की बात करूँ तो दे आर अफोर्डेबल, गुड क्वालिटी. आई लव मेबेलिन एज अ ब्रांड. आई मीन ड्रग स्टोर में मुझे बहुत पसंद है. सो मैं आपको अपना फेवरेट क्रेयॉन्स दिखा रही थी. तो ये 3 है. 1 इज रेड कलर, पिंक कलर एंड न्यूड कलर. ये मेरी रीपर्चेज है. आई लव इट सो 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 मच. इनकी जो पिगमेंटेशन है वो भी बहुत अच्छी है. फॉर्मूला बहुत अच्छा है. एकदम वेलवेटी टेक्सचर है लिप्स के ऊपर. जो आप लगाते हो बहुत कंफर्टेबल है. कंप्लीटली मैट है. बहुत कंफर्टेबल, बहुत ऐसी कम मैट लिपस्टिक्स होती है जो कंफर्टेबल रहती है लिप्स के ऊपर. बहुत सारी ड्राइंग हो जाती है. बहुत ऐसा लिप्स स्ट्रेच होने लग, आई मीन बहुत स्ट्रेची लगने लग जाती है. मैं कैसे बोलूँ, आई कांट एक्सप्लेन, बट बहुत अनकंफर्टेबल लगने लग जाती है. मोस्टली लिक्विड लिपस्टिक्स के साथ होता है. दे आर कम्प्लीटली मैट. क्रीमी टेक्सचर है इनका. वेलवेटी लगते हैं इन पर्सन जब आप किसी को देखोगे यूज़ करते हुए. मैं आपको बताऊँ जो मेरे शेड्स है, रेड वाला है जो है इट्स रेड 2, जो पिंक वाला है इट्स पिंक 2 एंड न्यूड 1 इज अ मॉव 1. एंड बाय द वे दीज आर माय रीपर्चेस, मैंने आपको पहले बता दिया. और ये जब खत्म हो गए फिर से इन्हें परचेस कर लूँगी. आई कांट स्टॉप यूजिंग दैम. दे आर सो अमेजिंग. अगर आपको मैट लिपस्टिक पसंद है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी लिप्स पिगमेंटेड भी है, बहुत बारी लोगों के लिप्स काफ़ी पिगमेंटेड हो जाते हैं, डार्क से लगने लगते हैं, तो अगर वो कुछ लगाते हैं तो लिपस्टिक का वो एक्चुअल कलर नहीं दिखता है, बट आपकी लिपस्टिक अगर आपके लिप्स अगर पिगमेंटेड भी होंगे ना तो भी आपके लिप्स के ऊपर ये बहुत अच्छे से दिखेंगे, जैसे दिखते हैं ट्यूब में वैसे ही दिखते हैं। मैं आपको एक एक शेड दिखा दूँ। सो दिस इज रेड टू, दिस इज पिंक टू, दिस इज मॉव वन। मेकअप में बस अब एक या दो आइटम और बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो जो नेक्स्ट आइटम है मेरे पास वो है मेरा फेवरेट आईलाइनर। सो दिस इज माय फेवरेट आईलाइनर, दिस इज फ्रॉम लैक्मी एब्सोल्यूट ग्लॉस आर्टिस्ट। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल को मैट आईलाइनर पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ग्लॉजी आईलाइनर पसंद है। आई पर्सनली लव ग्लॉजी आईलाइनर। अगर मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ या कभी अभी रिसेंट जब न्यू ईयर क्रिसमस था, तो जब भी मैं घूमने जाती हूँ कहीं ऐसे, तो मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ वही आईलाइनर लगाती हूँ। वो आई थिंक मैक के किसी आईलाइनर का ट्यूब है, उसकी ब्रश बहुत अच्छी है, एकदम जेट ब्लैक है, ग्लॉजी है। अगर आपको आई शैडो लगाना उतना नहीं आता है या नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है उतना लगाने का, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप एक ब्यूटीफुल सा ग्लॉसी विंग लाइनर ड्रॉ कर लो। उसके बाद आई शैडो कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक अच्छी सी मैट रेड या पिंक या न्यूड कोई लिपस्टिक लगा लो, उसके साथ में बहुत सुंदर लगेगा। स्पेशली रेड लिपस्टिक के साथ विंग लाइनर बहुत सुंदर लगता है। आई लव दैट आई लाइनर। एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, वो कुछ अराउंड 650 के अराउंड में आता है, बट नायका से आप सेल टाइम पर लोगे तो आपको बहुत कम में पड़ जाएगा। I love it a lot. So let's move to the next item. So guys, my next favorite are these lashes from PAC. These are M75 Mink Lashes. 2018 में मैंने इसे बहुत यूज़ किया। I'm sure आप लोगों ने मेरे बहुत सारे videos में इसे देखा होगा, एंड आई एम श्योर मैं इसे 2019 में भी यूज़ करूँगी, और अगर जब ये ख़राब हो जाएगी तो ऑब्वियसली मैं इसे रीपर्चेस भी करूँगी। अफोर्डेबल भी है इन कंपेयर टू अदर हुडा ब्यूटी लैशेज, तो अगर आप एक अच्छी मिंक लैशेज ढूंढ रहे हो तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छी है ये। मेकअप में मेरे पास और कुछ नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन लास्ट में एक मैं आपको अपना फेवरेट मेकअप टूल दिखाना चाहती हूँ, विच इज अ ब्रश, फाउंडेशन ब्रश। दिस वन इज फ्रॉम पैक। मुझे पर्सनली ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आई एम नॉट सेइंग जो करते हैं वो ख़राब है, अच्छा लगता है, उसका फिनिश बहुत नेचुरल स्किन टाइप आता है, बट मुझे पर्सनली ब्रश ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर आप ब्रश यूज़ करते हो तो आपका मेकअप जो है वो कम यूज़ होता है, कवरेज ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे ब्रश से 1 पंप लगता है फाउंडेशन, और अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँ तो 2.5 to 3 pumps लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप वेस्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये ब्रश पसंद है। 2018 में मैंने एक एक दिन जब भी मेकअप किया है इसी ब्रश से किया है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो फिंगर से मेकअप करने के लिए, अगर आप अच्छा कुछ ढूंढ रहे हो ना, तो आप ये पैक की स्पून ब्रशेस डेफिनेटली ले सकते हो। आप मुझे थैंक्स बोलोगे बाद में आकर के, ट्रस्ट मी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम। तो अब बात कर लेते हैं स्किन केयर की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना फेवरेट शावर जेल शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये फ्रॉम बॉडी शॉप। इसका वेरिएंट है ब्रिटिश रोज। 2018 में मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था, पूरा 2018 मैंने इसे यूज़ किया है, एंड आई एम श्योर 2019 में भी मैं इसे यूज़ करूँगी। बहुत अच्छी स्मेल है इसकी, एकदम फ्रेश रोजेस के जैसी। ऐसा जब आप इसे शावर लेते हो तो ऐसा लगता है आप किसी रोज़ के गार्डन में बैठ के शावर ले रहे हो, इतनी अच्छी स्मेल है। बट एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगती है मुझे इसमें, वो ये कि इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे नहीं रहती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है इसकी स्मेल। लाइक 1 या 1.5 आवर तक आपकी बॉडी पे स्मेल रहती है, बट उसके बाद इसकी स्मेल चली जाती है। सो गाइज, नेक्स्ट आइटम इज माय फेवरेट फेस वॉश। दिस इज ग्लो फ्रेश, दिस इज ग्लो फेयर सॉल्यूशन। अगर आपको देखने में लग रहा होगा कि ये फेस वॉश के जैसे ट्यूब में नहीं है या फेस वॉश टाइप नहीं लग रहा है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये रेगुलर फेस वॉश की तरह नहीं है जिसको आप ऐसे ट्यूब से स्क्वीज करके निकालते हो, फेस वॉश करते हो, झाग जैसे देता है। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ये पाउडर बेस है, डस्ट बेस है। इसको पैक की तरह अप्लाई करने का होता है। अप्लाई करके लाइक लीव इट फॉर 5 to 10 minutes, जेंटली इसे रब करके वॉश कर लो। मैं इसे 2018 में यूज़ की थी, एक्चुअली मैं 2010 से इसे यूज़ कर रही हूँ, और आई थिंक 2019 में यूज़ करूँगी, 2029 में भी यूज़ करूँगी, और उसके बाद में भी इसे यूज़ करूँगी। हमेशा मैं ये यूज़ करती हूँ, और कैन का भी एक फ्रेश आता है, मैं वो भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, लेकिन ये मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ फ्रॉम ग्लैमर वर्ल्ड आयुर्वेदिक ग्लो फ्रेश। अगर आप इसका एक सेपरेट रिव्यू देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपके लिए इसका एक सेपरेट रिव्यू कर दूँगी, बट आई लव दिस। ये था मेरा फेवरेट फेस वॉश। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट फेस पैक, वो है द सोमीज कैन प्रोडक्ट का सॉफ्ट पैक मास्क। ये भी 100% सेफ है, आयुर्वेदिक है, आई मीन टू से 100% आयुर्वेदिक है, सेफ है। आप अपनी स्किन पे इसे आराम से लगा सकते हो और अगर आपकी स्किन पे टैनिंग है तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ करो। टैन बहुत जल्दी आपकी स्किन से रिमूव करने में हेल्प करता है। कुछ भी डिसकलरेशन या पिगमेंटेशन, ये हर चीज़ को बहुत जल्दी और अच्छे से रिमूव कर देता है। एंड बाय द वे, इसका एक सेपरेट रिव्यू मैंने मेरे चैनल पे किया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अगर आपको पिगमेंटेशन या टैनिंग का प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी, आप इसे यूज़ करोगे, आप मुझे थैंक्स बोलोगे बाद में आकर के आपका, और आप 4 और लोगों को भी रेकमेंड करोगे जिनको भी टैनिंग और पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होगा, उन्हें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि आप यूज़ करो, आपका टैनिंग और पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएगा। फेस वॉश और फेस पैक जब मैंने आपको दिखाया तो मॉइस्चराइजर दिखाना तो बनता ही है, तो मैं आपको अभी अपना करंट फेवरेट मॉइस्चराइजर दिखा रही हूँ विच इज़ द सोमीज कैन प्रोडक्ट की है रिफ्रेश क्रीम। ये 100% आयुर्वेदिक है, सेफ है। मुझे पर्सनली, अपने जैसे मैंने बताया, स्किन के हेयर के लिए आयुर्वेदिक चीज़ें ही पसंद है। ये आयुर्वेदिक है, कम्प्लीटली बहुत अच्छी है। आपकी स्किन को ये यूवी रेज से, लाइक सन रेज से भी प्रोटेक्ट करता है, स्किन को मॉइस्चराइज भी अच्छे से कर देता है। आई लाइक इट अ लॉट। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। दिस वन इज़ जस्ट फॉर ₹95। स्किन केयर की लिस्ट में मेरे पास एक लास्ट आइटम है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं है, वो मेरे प्लांट का है। वो है ये फ्रेश एलोवेरा लीफ। मुझे पर्सनली एलोवेरा जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो नहीं पसंद है। मुझे पर्सनली ये प्लांट वाला फ्रेश एलोवेरा लीफ ही अच्छा लगता है अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनमें एडेड कलर्स होते हैं, कुछ फ्रेग्रेंस होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। तो अब लास्ट मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ मेरे हेयर केयर प्रोडक्ट, तो जो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है। तो फर्स्ट है मेरा ऑल टाइम फेवरेट ग्लैमर वर्ल्ड आयुर्वेदिक का ग्लो हेयर सॉल्यूशन। मैं अपने स्कैल्प पे, हेयर्स पे ऑयलिंग नहीं करना पसंद करती हूँ। मुझे ऑयलिंग करने से हेयरफॉल होने लग जाता है, मुझे सूट नहीं होता है ऑयलिंग, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, प्रीमैच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है, हेयरफॉल का प्रॉब्लम है, आपका वॉल्यूम बहुत कम हो गया, आप चाहते हो कि आपके हेयर रीग्रोथ में हेल्प हो, कुछ ऐसा यूज़ करो, तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आप मेरा इसका एक सेपरेट रिव्यू मैंने किया है अपने चैनल पे, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो आप उससे देख सकते हो। और इसका और कैम प्रोडक्ट का जो हेयर लोशन है उसका मैंने एक कंपेरिजन वीडियो भी किया था, जस्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है, तो आप वो भी देख सकते हो। आपको कौन सा सूट होता है तो आप ले सकते हो उससे। आई लव दिस। मैं 2018 को पूरा इसे यूज़ की हूँ, एक्चुअली 2010 से यूज़ करी हूँ उसे। बहुत अच्छा है, 100% सेफ है, आयुर्वेदिक है, आई लव इट। तो नेक्स्ट आइटम जो है मेरे पास हेयर केयर में वो है मेरा हेयर शाइन सीरम। ये भी 100% आयुर्वेदिक है, कैन प्रोडक्ट का है। कैन प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक होते हैं। ये आयुर्वेदिक ब्रांड है, वेस्ट बंगाल रीजन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और कोलकाता और इंडिया में भी हर जगह मिलते हैं, इंडिया के बाहर भी अवेलेबल है। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। आई मीन, जब भी मैं शैम्पू करती हूँ ना, तो बाल को सुखाने के बाद थोड़ा सा इसे अपने पाम में लेके अपने हेयर्स पे लगा लेती हूँ, उसके बाद अपने हेयर्स को कोम करती हूँ। बहुत ईजिली आपके हेयर्स को डिटैंगल कर देता है, और ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत बूम से कुछ शाइन आ जाती है आपके हेयर्स में, लेकिन डिटैंगल कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, थोड़ा मैनेजेबल भी कर देता है। आई लाइक इट अ लॉट। मैं बहुत सालों से इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसके पहले मैं ग्लैमर वर्ल्ड का यूज़ करती थी, वो भी अच्छा था। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये जेल बेस है, इसके अंदर इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो एलोवेरा है। एलोवेरा हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली पसंद है। लेकिन अगर मुझे घर से कहीं बाहर जाना होता है और मुझे चाहिए कि मेरे हेयर्स एकदम मैनेजेबल रहे, बहुत शाइनी भी लगे और अच्छे लगे, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट। और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे और भी वीडियोज़ में दूसरे ब्लॉगर्स के इसकी तारीफ सुनी होगी। ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, इसको मैनेजेबल बना देता है। बहुत डिफरेंट फेस से आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसको एज हीट प्रोटेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि ये 100 रुपीज़ से भी कम में आता है। मुझे इसका प्राइस याद नहीं है, बट ये आई थिंक 80-85 का कुछ आता है। अगर कभी कहीं होलसेल मार्केट्स में इसमें डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, तो आपको ये उससे भी कम में पड़ जाएगा। ये इतनी बड़ी ट्यूब है, एज यू कैन सी, इतनी बड़ी ट्यूब। आपको बहुत सारे मल्टीपल वेज से आप इसे यूज़ कर सकते हो, और 100 रुपीज़ से भी कम में आती है। क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। मैं इसकी तारीफ करना का स्टार्ट करूँगी तो बहुत वीडियो और लंबा होते जाएगा। एंड आई लव इट अ लॉट। और ये मैंने सिर्फ रिव्यू के पर्पज़ से सबसे पहले परचेज़ किया था, क्योंकि रिक्वेस्ट थी इसकी बहुत। एंड थैंक्स। आप लोग और भी प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी मैं परचेज़ करती हूँ स्पेशली रिव्यू के लिए, तो प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा निकलता है। एंड that's it for today's video. I hope आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो. That's it for today's video. अगर वीडियो पसंद आया हो so don't forget to like, share and subscribe for my channel. Bye. See you in my next video.